क्वेश्चन है, 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए कॉन्स्टेंट करंट, द वायर इज बेंड टू फ्रॉम ए सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, द सेम इज नाउ बेंड टू फ्रॉम ए सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस टू हैव 4 टर्न इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यू लूप इज। हमारे पास क्या है, एक वायर को है, वायर है 1 मीटर की वायर, उसको बेंड कर दिया गया है सर्कल में, तो हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो दे रखी है बी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें क्या, बी दे रखी है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप इज बी, सेंटर पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है सर्कुलर की भी दे रखी है। फिर इसने कहा द सेम इज नाउ बेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस टू हैव 4 टर्न इन द लूप, इसमें जो हमारे पास जो रेडियस है उसको 4 टर्न यानी कि वो 4 टर्न लेके एक सर्कुलर लूप बना ली है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 8/4 हो जाएगी 1 टर्न की। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द न्यू लूप इज, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर ऑफ न्यू लूप जो बनाया है वो क्या बना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है, तो हमारे पास इसके लिए क्या होती है बी इक्वल टू होता है न्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2πr फॉर ए करंट कैरिंग वायर के लिए होती है हमारे पास बी जो इस सर्कल की दी गई है। देन हमारे पास जो बी डैश है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो 4 टर्न है तो 1 टर्न के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास न्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2πr/4, ये हमारे पास किसके लिए हुई है 1 टर्न के लिए, और इनटू में हम क्या कर देंगे 4, क्योंकि 4 टर्न उसने लिए हैं तो इनटू में क्या आ जाएगी 4, तो इसके लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बी डैश आ गई वो क्या होगी 16 न्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2πr, तो हमारे पास जो बी डैश आ गई वो ये आ गई 4 इंटू में क्यों, क्या उसने 4 टर्न लिए थे और r/4 उसकी रेडियस क्या होगी थी r/4, तो न्यू टर्न फिर यानी कि न्यू लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो ये जाएगी, एक के लिए तो हमारे पास ये है इंटू में 4 कर दिया तो हमारे पास ये 4 के लिए होगी, तो दिस इज द क्वेश्चन।